मम्मा मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था लेकिन मैं भूल गई। बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाके उनसे पूछ लो ना, ओके? ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, आप मम्मा के पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूँ, मैं तब तक नेट पर कुछ सर्च ही कर लेती हूँ। गॉड ये क्या हो गया, आज फिर से मेरा अकाउंट हैक हो गया, ये सब कैसे हो गया, मैं क्या करूं, किससे हेल्प लूं? Good morning, everyone. Good morning, teacher. Chadir, ho, aai to hai. Good morning, students. Good morning, teacher. Aur aap sab ka pariksha kaisa raha? बहुत अच्छा, गुड। स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर बाद अपना रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। ओह यस, मैं पास हो गया। ओह यस, मैं पास हो गई। हुर्रे, मैं पास हो गई। मैं भी पास हो गया। मैं पास हो गई। ओ गॉड, मैं तो फेल हो गई। इतनी देर हो गई रिया, अब तक नहीं आई। रिया टीचर, टीचर टीचर टीचर, देखिए रिया को क्या हो गई। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। हेलो, रिया की मादर बोल रही हैं? ओह यस, बोल रही हूँ। मैं रिया की क्लास टीचर बोल रही हूँ उसके स्कूल से। उसकी तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। व्हाट, ये क्या हो गया रिया को? रिया के स्कूल से फोन आया था, रिया की हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें अभी सिटी हॉस्पिटल जाना होगा। ये सब कैसे हो गया? आज रिया का परीक्षा था और वो फेल हो गई, जिसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। ओह गॉड, रिया हमसे कह तो रही थी उसका एग्जाम है, उसको समझ नहीं आ रहा है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए था। आप लोग अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो फेल हो गई और वो ये सदमा ले नहीं पाई। आज आपकी बेटी का जो स्थिति है वो आपकी वजह से है। टीचर्स आर सेकेंड मदर, बट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पेरेंट्स का ही है, तो प्लीज आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। Now she is good, but she is in depression. भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी अब ठीक है। हमारी लाइफ में मोबाइल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से हानिकारक होता है। आज तो मोबाइल लोगों के लिए हवा, पानी और खाने की तरह हो गया है, वह इसके बिना रह ही नहीं सकते। हमें विज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत। अधिकांश पेरेंट्स सोशल मीडिया पर इतना व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान ही नहीं देते। हमें अपने बच्चों और परिवार पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि उनका जीवन सुखमय बीते। धन्यवाद।